राइट। नेक्स्ट थर्ड के सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इज जीरो, इफ इट्स करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक है, तो लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या कैसे मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स। देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, इज सेड टू बी सिंगुलर, is said to be singular if determinant A is zero, determinant A की वैल्यू क्या है? जीरो। अगर determinant A की वैल्यू जीरो है, square matrix के corresponding determinant अगर जीरो है, तो हम क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन हो गए। तो कंडीशन फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताओ? determinant A इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? ये मैट्रिक्स ए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट जीरो, डिटरमिनेंट ए इज नॉट जीरो। ठीक है, तो दूसरा लिखे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल जीरो। डिटरमिनेंट इक्वल क्या है? जीरो नहीं। अगर डिटरमिनेंट इक्वल जीरो नहीं है तो क्या कहलेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट ए इज जीरो। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉइंट वन पॉइंट टू इसको वन नॉन सिंगुलर, और पॉइंट थ्री इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, डिटरमिनेंट।
वैल्यू थ्री है तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू के रेट को थ्री डिटरमिनेंट ये आंसर होगा ठीक है। अब इसका सम करते हैं। अच्छा एक पॉइंट और इफ ए एंड बी एक पॉइंट डाउन नोट कर लीजिए किनारे पर इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ना देन डिटरमिनेंट ए बी डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ठीक है। चलिए इसी प्रूफ करेंगे हैं इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी ये चीज हमको प्रूफ करना ठीक है। चलिए देखें इसीलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो ले ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हैविंग एलिमेंट ए बी सी डी and B be matrix of order 2 having element C D E F इसके element क्या है C D E F है ना ठीक है। तब आपको क्या निकालना बताइए determinant of A B निकालना determinant of A B ना तो चलिए determinant of A B निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट पहले ए बी निकालते हैं फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं फिर ए इंटू बी मैट्रिक्स ए और बी को क्या करना मल्टीप्लाई करना ए बी सी डी और ए बी सी डी यहां पर आप कुछ और एलिमेंट लेंगे जैसे ई एफ जी एफ ई एफ तो यहां पर आपका ई एफ और ये चीज आपको मल्टीप्लाई करनी है ना ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए तो देखिए फर्स्ट रो लेकर के क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे ठीक है। तो चलिए तो ये कितना हो जाएगा ए इंटू ई और प्लस बी इंटू जी फिर ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच ये होगा ना ठीक है। अब जो है सेकेंड रो को क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके जोड़ ऐड किया जाएगा तो जाएगा सी इंटू ई और प्लस डी इंटू जी फिर सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच ये ना। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स साइन आपका हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए ई बी जी और ए एफ बी एल सी ई बी जी सी एफ डी एच है ना यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हो। अब इसके बाद क्या करते हैं अब क्वाड्रेंट डिटरमिनेंट ए भी निकालते हैं डिटरमिनेंट ए निकालेंगे और डिटरमिनेंट बी निकालेंगे हैं इसलिए डिटरमिनेंट ए निकालिए तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी
इक्वल फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इस छोटे कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स एड हटा करके डिटरमिनेंट दीजिए ए बी सी डी और ई एफ ई एस, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन का मेथड होता है जो मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, जहाँ भी हम रो बाय कॉलम मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कॉलम बाय कॉलम करते हैं और रो बाय रो, ठीक है, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, सबसे वैल्यू हमारी एक है, सभी से वैल्यू हमारी एक है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या लिखे, ए ई बी जी, तुम बताओ तुमको दे बताइए, ए एफ बी एस नीचे बताइए, सी ई बी जी डी जी, ओके नेक्स्ट है सी एफ सी एफ बी एच एच डी। तो देखिए दोनों सेम है ना, डिटरमिनेंट ए बी और डिटरमिनेंट ए टू बी, डिटरमिनेंट ए टू डिटरमिनेंट बी दोनों देखिए सेम है। चार बार देखा है डी है हां डी एच होए एफ सी एफ हुआ एच एच डी हुआ, हां वो बच गया ये डी एस इन सकते डी एच, तो मल्टीप्लिकेशन कम के दिखता है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों चीज सेम है, इक्वेशन 2 और फर्स्ट टू को कंपेयर करिए तो दोनों आपको सेम मिल जाए, एक ही मिलता है ना। एंड सेकंड क्या दे देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ डी, ये भी है ना। ठीक है चलिए कॉपी करते हैं, Thank you.